As we say, critical to being a leader is self-awareness. So College Duniya have initiated a program of Thoughts on Education where we persuade the thoughts over institute and education in general to audience. For the purpose today, here with us we have Dr. Rakesh Pandey, Principal SRK College of Ayurveda Research and Hospital. Sir, it's so nice to have you here with us. With your kind permission, can we start the interview? Sir, you have held a key position at Education Institute throughout your professional career. So what are the factors that keep you connected with this education sector and how has the experience been? देखिए मैं लगभग मुझे 13 साल से ऊपर हो गए काम करते हुए आयुर्वेद क्षेत्र में. मेरा अनुभव ये है कि जैसे आपने कोरोना का पूरा समय देखा, तो उस कोरोना काल में एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में आयुर्वेद ने जो सहयोग जनमानस का किया है, और अब आज अगर ये कहें कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों को आयुर्वेद ने बचाया है, तो कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी इसमें, और बहुत अच्छी बात है. मध्य प्रदेश का ले लें, मध्य प्रदेश की बात करें तो अकेले भोपाल में लगभग 15 कॉलेज हैं अकेले राजधानी भोपाल में आयुर्वेद के. और मध्य प्रदेश में जो है पूरे आयुष की बात करें तो 30 से 35 कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में है आयुष के. तो निश्चित रूप से एक अच्छा भविष्य है आयुर्वेद. सर, हाउ डज द करिकुलम ऑफ SRK कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा इंश्योर्स द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल्स? नहीं, देखिए जो पाठ्यक्रम है हमारा आयुर्वेद का बहुत अच्छा है, और आज की जो भी जनमानस को तकलीफ हो रही है, जो भी रोग हैं, ठीक है, और जो भी बीमारियां फैल रही हैं, उनको लेकर के एक NCISM ने बहुत अच्छा पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसमें मॉडर्न व्यू भी रखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी हैं. साथ में एलोपैथी के साथ साथ में जिस प्रकार से आयुर्वेद कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है, वो निश्चित रूप से छात्रों के लिए और जो है हमारे मरीजों के लिए बहुत ही जो है लाभकारी. सर, व्हाट आर सम करंट प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च दैट आर स्टूडेंट्स वर्किंग करंटली? देखिए, हमारा भी नया कॉलेज है आयुर्वेद का, आरकेडीए ग्रुप के 4 कॉलेज है, 3 तो भोपाल में है, एक इंदौर में है. तो छात्रों के लिए जो एक कोशिश ये है कि अभी से यूजी स्तर पर ही जो है हम रिसर्च, जैसे कैंसर को लेके हमारा अभी शुरुआती काम चल रहा है, अभी जैसे हल्दी और तुलसी को लेकर के हम एक काम कर रहे हैं, अभी समय लगेगा उसमें, लेकिन निश्चित रूप से ये छात्रों के लिए भी फायदे की बात है. और जब ये चीज़ सामने आएगी निकल करके, क्योंकि कैंसर और डायबिटीज़ दो रोग ऐसे हैं जो आप देखेंगे कि लगभग पूरे भारत में जो है 20% लगभग लोग जो है किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहे हैं, और डायबिटीज़ तो आपको हर दूसरे तीसरे घर में मिल जाएंगे पेशेंट. तो हमारा रिसर्च वर्क जो है निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा. सो व्हेन यू फर्स्ट केम टू द यूनिवर्सिटी, व्हाट वाज योर विजन टू द यूनिवर्सिटी? और आप खुलकर बताएं इसमें. सो बेसिकली व्हेन यू जॉइन द यूनिवर्सिटी, सो व्हाट वाज योर थॉट ऑफ जॉइनिंग द इंस्टीट्यूट एंड व्हाई वुड यू पर्स्यू इट एज अ प्रिंसिपल? आरकेडीए ग्रुप को ज्वाइन करने का मेरा मकसद ये था, कुल मिलाकर के बड़ा ग्रुप है और यहाँ पर काम करना एक अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित वाला काम है, क्षण है. और हमारा उद्देश्य विश्वविद्यालय को साथ में लेकर के ये है कि कुल मिलाकर के सीधा सीधा छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना है आयुर्वेद को साथ में लेकर के. और आप देखेंगे साल दो साल में जो है जो हमारा आरकेडीए ग्रुप है, SRK यूनिवर्सिटी है, निश्चित रूप से बहुत आगे जाए. ठीक है, सब एक्सेप्ट है, कुछ चीज़ें हैं जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें छात्रों के लिए हमको एक अच्छा काम करना है. दूसरा, कुछ औषधि पौधे हम चाह रहे हैं, हमारे गार्डन वगैरह औषधि गार्डन है हमारे पास में, तो कुछ चीज़ें हम नए रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं. और हमारी कोशिश है कि RKDF ग्रुप में एक अपना आयुर्वेद का एक अलग से फार्मास्यूटिकल छोटी अभी तो छोटे स्तर पर शुरू होगा, और यहाँ से बनी हुई औषधियाँ जो है मार्केट में अवेलेबल हों, बहुत सारे निःशुल्क शिविर के माध्यम से जनमानस तक पहुँचे, ये हमारे मेरे लिए खास करके एक चैलेंज की बात है. एक्सेप्ट करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे सर. Yes, sir. The kind suggestions you would like to give to the current youth and aspiring students of Ayurveda? हम
छात्रों के लिए देखिए, जो मॉडर्न पैथी का जो है बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है, आयुर्वेद को लेकर के लोग जो है बहुत आगे आ रहे हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में बात करें तो मेडिकल के बाद, एमबीबीएस के बाद में लोग जो है एडमिशन जो है आयुर्वेद में, बीएमएस में लेना चाह रहे हैं। इसलिए लेना चाह रहे हैं कि ये जन जन से जुड़ी औषधि रूप में विज्ञान है, औषधि विज्ञान है, तो निश्चित रूप से ये छात्रों के लिए भी फायदे की बात है। ओके सर, थैंक यू।